भाइयों और बहनों, सुप्रभातम। मैं शिक्षाविदों के बीच आया हूं, जिनसे मुझे सीखना है, उनके सामने कुछ कहना ये थोड़ा कठिन काम होता है। फिर सवाल उठता होगा कि आप आए क्यों। मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि आप इस दो दिवस जो भी चर्चा करोगे, मंथन से जो अमृत निकलेगा, मैं आपको भरोसा देता हूं ये सरकार उन चीजों को भली भांति लागू करने के लिए बरसक प्रयास करेगी। और इसलिए आप यहां जो कुछ कहने वाले हैं, जो मंथन करने वाले हैं, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, ये भरोसा देने के लिए मैं आया। इस वैश्विक परिवेश में शिक्षा, इस मूल विचार को लेकर के हम लोग दो दिन चर्चा करने वाले हैं। मेरी अपनी एक सोच है कि सरकार वो एक ऐसी इकाई नहीं होनी चाहिए कुछ जो सिर्फ फाइल में बंधी हुई हो। सरकार उस शब्द का थोड़ा परिवर्तन करके फाइल से निकल करके लाइफ से जुड़ने चाहिए। अल्फाबेट तो वही है, लेकिन उसी अल्फाबेट को थोड़े परिवर्तन की मुझे आवश्यकता लगती है। और अगर सरकार को हम फाइल से बाहर निकाल करके लाइफ से जोड़ना चाहते हैं, तो सरकार को भी हर क्षेत्र के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके विचारों को सुनना जरूरी होता है। नीतियों के निर्माण से पहले व्यापक रूप से अगर इनपुट मिलता है, तो हम नीतियों के निर्माण में कम से कम गलतियां करते हैं और नीतियां लंबे अरसे तक उपकारक रहती हैं। और इसलिए अगर शिक्षा क्षेत्र में भी बदलाव लाना है, हमें शिक्षा क्षेत्र के भी व्याप को अगर बढ़ाना है, तो जो रोजमर्रा इस जिंदगी को जी रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को इस काम के लिए खपाया है, समर्पित किया है, जिनको भिन्न भिन्न प्रकार का एक्सपोजर मिला है, अगर वे मिल बैठ करके चर्चा करते हैं, तो मैं समझता हूं कि सरकार में बैठे हुए लोगों को निर्णय करने के लिए काफी सुविधा मिलती है। और इस अर्थ में इस गोल्डन जुबली ईयर में हमने काफी बल दिया है, सभी क्षेत्रों में बल दिया है कि कुछ हम लोग आगे का सोचें, हम वैश्विक परिवेश में सोचें, हम अलग थलग एक कोने में रह करके आज सोच करके दुनिया नहीं चला सकते। हमने बदले हुए प्रवाहों के साथ अपने आप को मैच करना पड़ेगा। और उसकी दिशा क्या हो, और उन्हीं विषयों पर चर्चा सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में हो रही है, ऐसा नहीं, विकास के सभी पहलुओं पर हम इस गोल्डन जुबली ईयर में कार्य कर रहे हैं, और उसका एक हिस्सा है शिक्षा के संबंध में। जब हम शिक्षा की बात करने वाले हैं यहां, तब हमारी यात्रा बहुत लंबी रही है। हम कोई आज से इस यात्रा को शुरू नहीं कर रहे हैं। एक प्रकार से वेद से लेकर के वेब तक हमारी ये पूरी ज्ञान पिपासा की यात्रा रही है।
वेद ने भी कुछ दिया है और आज वेबसाइट भी कुछ दे रही है, और वेद से वेब तक की इस यात्रा में से जो भी उत्तम है उसको लेकर के आगे जाने का रास्ता बना। हमने उपनिषद से शुरू किया था, हम उपग्रह तक पहुंचे हैं। उपनिषद से उपग्रह तक की हमारी इस यात्रा को और आगे हम कैसे ला जा सकते हैं, इस पर सोचने की आवश्यकता है। एक सवाल का जवाब इस देश को देना पड़ेगा, क्या हमारे पास दुनिया को देने के लिए कुछ नहीं है? क्या हम उतने बैंकरप्ट हो गए हैं कि हम विश्व को कुछ नहीं दे सकते हैं? मानव जात जिस संकटों से गुजर रही है, क्या उसके रास्ते हम नहीं दिखा सकते हैं? अगर हमारी 5000 साल की विरासत, जो टाइम टेस्टेड विरासत है, अनेक संकटों से गुजरे होंगे, अनेक कठिनाइयों से भी हम निकले होंगे, क्या कभी तो हमने उन समस्याओं को जूझते हुए रास्ते निकाले होंगे? हमने उस समाज को समय बाहर निकाला होगा। क्या दुनिया को हम असहाय छोड़ देंगे? अगर हम असहाय छोड़ देते हैं तो हमें सिर्फ अपने स्वार्थ की बात करके रहने का अधिकार नहीं है। हमने ग्लोबली इसलिए भी सोचना है कि हमें विश्व को कुछ देना है। हमें ग्लोबली इसलिए भी सोचना है कि हम एक परंपरा से निकले हुए लोग हैं, हम एक रिदम से निकले हुए लोग हैं, हमने अपना एक रास्ता बनाया हुआ है, लेकिन कभी सोचे तो जरूर कोई और रास्ता भी हो सकता है जो इससे भी सरल हो, कोई और रास्ता भी हो सकता है कि जो हमें तेज गति से पहुंचा सकता है। और इसलिए अगर विश्व में कुछ अच्छा है तो उसको हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें ढालने की कोशिश कैसे करें, और उसको ज्यादा हम फ्रूटफुल कैसे बना सके। और हमारे पूर्वजों ने, आज दुनिया की सोच और हमारे पूर्वजों की सोच में बहुत बड़ा अंतर था। आज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जमाना है, मैं उसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन एक जमाना था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो मालिक था वो श्रेष्ठ जन माना जाता था, और वही उसकी रॉयल्टी थी। पूरा समाज उसका गर्व करता था, पूरा समाज उसके प्रति आदर करता था। लेकिन अब पैसे ही समाज में आदर का कारण बन गए तो फिर प्रॉपर्टी राइट की जरूरत खड़ी हो गई। उसके पास ज्ञान होना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, लेकिन वो पैसों के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुई तो उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को दुनिया स्वीकार नहीं कर रही है। कितना ही इंटेलेक्चुअल एबल होगा, लेकिन उसको मर्सिडीज गाड़ी में उतरना पड़ेगा, कोई अच्छे कपड़े पहन करके आने पड़ेगा, तभी तो कोई उसको रिसीव करने आएगा। तो बदली हुई जो दुनिया है, बदली हुई जो दुनिया है, उस दुनिया के तहत मैं इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम वो लोग हैं जो ये कहते थे ज्ञान को न पूरब होती है, ज्ञान को न पश्चिम होता है, ज्ञान को न कल होती है, ज्ञान का न आज होती है, ज्ञान सनातन होता है, सार्वदेशिक होता है, और किसी भी कोने में ज्ञान का प्रकाश है तो उसको हम स्वीकार करते हैं, हम स्वागत करते हैं। ये हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया था, वेद काल से हमें सिखाया है, और इसलिए भारत की सीमाओं तक हम ज्ञान को बंधित नहीं रख सकते। विश्व में जो उत्तम है, जो श्रेष्ठ है, उसको स्वीकार करने का मन हमें सदियों से हमारे जेनेटिक सिस्टम में दिया गया है, और इसलिए खुले मन से हमने विश्व में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या उसमें से कुछ हमारे काम का भी है क्या, उस पर हमने खोजने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं हमारे पूर्वजों को जो सद्भाग्य नहीं मिला था वो सद्भाग्य हमें मिला है। हमारे पूर्वजों के पास ज्ञान की विरासतें थी, उनका एक्सपीरियंस था, उन्होंने उसको प्रैक्टिस किया था, लेकिन उनके पास वो टेक्नोलॉजी का लाभ नहीं था जो विश्व तक पहुंचा पाए। आज की पीढ़ी भाग्यवान है कि उसकी उंगलियों पर पूरा विश्व नाच रहा है। वो कंप्यूटर पर बैठ जाए, वो सारी दुनिया को अपने आप में लपेट सकता है, वो दुनिया में ले भी सकता है, दुनिया को दे भी सकता है। क्या हम इस टेक्नोलॉजी का उपयोग अपनी इस विरासत को दुनिया के पास पहुंचाने के लिए कर सकते हैं? और इसलिए हमें ज्ञान और हमारे विज्ञान दोनों को जोड़ना पड़ेगा। और जहां तक साइंस का सवाल है, सीधी सीधी बात है, साइंस इज यूनिवर्सल,
लेकिन आवश्यकता ये है, और जो हमारे देश के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, साइंस इज यूनिवर्सल लेकिन टेक्नोलॉजी मस्ट बी लोकल। अगर हम अपनी चीजों को अपने प्रकार से इवॉल्व नहीं करते हैं, उन सिद्धांतों को ही हम स्वीकार सिर्फ रटते रहेंगे और दुनिया से चीजें लाते रहेंगे, तो मैं समझता हूं शायद हम अपनी समस्याओं का समाधान भी नहीं खोज पाएंगे। अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए भी क्या हम उस दिशा में आगे जा सकते हैं? कभी कभी ये भी सोचना होगा, क्या सचमुच में हमारा अपना शिक्षा की कोई फिलॉसफी है क्या? फिलॉसफी सब्जेक्ट तो शिक्षा में है, लेकिन क्या हमारी शिक्षा की अपनी फिलॉसफी है क्या? आखिर कम इस शिक्षा से जगत को क्या देना चाहते हैं, कहां से शुरू करना चाहते हैं, कहां ले जाना चाहते हैं? अगर ये दर्शन साफ नहीं है तो फिर हम भटक जाते हैं और हम तत्कालीन पर्स के आसपास ही, तनख्वाह कितना मिलेगा उसी के आसपास ही जिंदगी को ढोते रहते। जब तक हम इस क्षेत्र को उस पर्स की दुनिया से ऊपर नहीं उठा पाते हैं, तब तक हम विश्व को शायद कितना ही देने का सामर्थ्य क्यों न हो, हम देने में असमर्थ हो जाएंगे। और इसलिए अगर एक बार हम तय करें कि भाई हाँ, आखिरकार हम शिक्षा के माध्यम से जगत को ये देना चाहते हैं, तो तीन चीजों पर मैं बल देना चाहूंगा। एक, हजारों साल से इस ज्ञान का विस्तार और विकास होता रहा है, उत्कर्ष होता रहा है। कुछ चीजें होगी जो कालबाह्य होगी, कुछ चीजें होगी जो काल के अनुकूल होगी। हमारी शिक्षा का यह पहला दायित्व है कि जो हमारे पास उत्तम विरासत है और उसमें जो उत्तम आज के लिए उपयोगी है, उनको कैसे संजोए रखा जाए, उसमें कुछ